तो दोस्तों नायका ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो मिक्स टाइप के लग रहे हैं। कैसे क्या है चलिए देख लेते हैं। डाटाबेस के लिए मिलियंस में दिया हुआ है, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किया था 1462 करोड़ के आसपास, पिछले साल मात्र 973 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 1301 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली, अप्रोक्सीमेटली 35% के आसपास का जंप है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। लेकिन वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट 11% के आसपास की गिरावट है। तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू गिरता हुआ देखने को मिला, लेकिन साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी भी आपको देखने को मिल रही। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें, पिछले क्वार्टर में 1455 करोड़ के आसपास का कंपनी ने खर्चे किए थे, पिछले साल 978 करोड़ के आसपास, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी के खर्चे 1302 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी के खर्चे की बात करें तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही देखने को मिल रहे हैं पिछले साल पिछले क्वार्टर के मुकाबले। लेकिन बस हल्का सा प्रॉब्लम यहाँ पर खर्चे में ये आ रही है कि पिछले साल पिछले क्वार्टर में कंपनी को चेंज इन इन्वेंट्री के नाम पे कंपनी को फायदा हुआ था। पिछले क्वार्टर में 107 करोड़ का फायदा हुआ था, पिछले साल 142 करोड़ का फायदा हुआ था, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी को 27 करोड़ का लॉस लगा है, जिसकी वजह से कंपनी का जो एक्सपेंस है वो इस क्वार्टर में आपको हाई होता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 8.4 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 7.5 करोड़ का प्रॉफिट था, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 2.2 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो मैंने अभी आपको बताया कि कंपनी का जो प्रॉफिट क्यों कम होता हुआ देखने को मिला है, चेंज इन इन्वेंट्री की वजह से। अगर इस क्वार्टर में भी कंपनी को अप्रोक्सीमेटली समझिए 100 करोड़ के आसपास का चेंज इन इन्वेंट्री में फायदा होता तो यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट है अप्रोक्सीमेटली 120 से 130 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल सकता था। लेकिन जस्ट बिकॉज कि चेंज इन इन्वेंट्री में कंपनी को इस क्वार्टर में लॉस लगे या पिछले क्वार्टर पिछले साल में फायदा हुआ है, इस वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 3 पैसे का था, पिछले साल 3 पैसे, अभी देखें तो 1 पैसे के आसपास आ चुका है। तो कंपनी के ईपीएस की बात करें तो ईपीएस के अंदर गिरावट है। ईपीएस मैं बता दूं आपको नेट प्रॉफिट के ऊपर ही कैलकुलेट किया जाता है, इस वजह से आपको गिरावट देखने को मिली। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से जो नंबर कंपनी दिए हैं ये रेवेन्यू वाइज क्वार्टर क्वार्टर थोड़ी सी गिरावट है, साल दर साल बेहतर है कंपनी का रेवेन्यू, लेकिन जस्ट बिकॉज कंपनी के एक्सपेंस के अंदर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, इस वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो साल दर साल और क्वार्टर क्वार्टर आपको अच्छा खासा अमाउंट में गिरता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ खराब नंबर नहीं है, मिक्स टाइप के नंबर है, 2-4% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, उससे ज़्यादा गिरावट मुझे लगता है कि शेयर के अंदर हो सकती है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।